मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को करीब 1:15 बजे सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे सम्मान समारोह में पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि 1857 की क्रांति की धारा में मैं नमन करता हूं, साथ ही यहां आए पैरालंपिक खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद मोदी अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है और सभी को ऐसे खिलाड़ियों का स्वागत करना चाहिए। वहीं इसके अलावा योगी ने कहा कि सभी प्रशिक्षक को भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 4.5 साल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा काम किया है। मैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धारा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ठोको नीति पर काम कर रही है और सपा सरकार बनते ही पिछड़ों की गिनती कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही सपा का कई दलों से गठबंधन होगा। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बाबा मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि वे खुद पलायन कर उत्तराखंड से यहां आए हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली भी महंगी कर दी और अगर सपा सरकार बनेगी तो सिंचाई मुफ्त की जाएगी। मुख्यमंत्री जी को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके दल में बड़ी संख्या में उनसे सीनियर नेता थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और वो चाहते थे कि उन्हें मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को ओवरटेक करके मुख्यमंत्री जी खुद बन गए। और अगर पलायन न उनका हुआ होता खुद का, तो शायद उत्तर प्रदेश के 5 साल बच गए होते। और 5 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, डायल 100 क्या सुधार लेकर आया ये सरकार? डायल 100 में कौन सा नया फैसला ले लिया उन्होंने? केवल नाम बदल दिया डायल 112, क्या गाड़ियों की संख्या बढ़ाई? एम्बुलेंस जो 108 102 थी, क्या संख्या बढ़ाई एम्बुलेंस की? किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी क्योंकि इन्हें आय दोगुनी न देनी पड़ जाए, इसलिए पलायन का शब्द है। इन्हें जो तय किया है 340 रुपये गन्ने की प्रति क्विंटल, एक भी पर्ची पर 340 नहीं लिखा है क्योंकि किसान पूछ ना ले उनसे, इसलिए वो पलायन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, जहां मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ है तो वहीं पड़ोसी जिले में मुजफ्फरनगर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव है, कांटे की टक्कर है। दोनों ही जगह प्रोग्रामों का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था आपको एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि काफी जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है, अपने प्रिय नेता अखिलेश यादव का इंतजार यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ तमाम जो आसपास के नेता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता है, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। 3 मंच यहाँ पर बनाए गए हैं, हालांकि भीड़ ज्यादा है तो इसलिए मंच दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है जुटेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे साथ पूर्व मंत्री रहे हैं हाजी सरार सैफी मेरे साथ मौजूद है। हाजी जी, ये बताइए आज आपका यहाँ प्रोग्राम है लोकदल से गठबंधन के बाद, शायद पहला प्रोग्राम आपके नेता का है, तो किस तरीके की तैयारी है और कैसे आप बीट करेंगे भाजपा को? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरा हिंदुस्तान के अंदर जो इन्होंने हिंदुत्व का कोशिश की है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस हिंदुत्व को ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम करने के लिए यहाँ बढ़ाना के अंदर जो आप देख रहे हैं
जन सैलाब है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लगे हुए हैं। इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब तबका परेशान है। इस वजह से ये प्रदेश के अंदर बदलाव की आंधी चल गई है और आप देख रहे हैं ये जन समूह जो है ये आने वाले टाइम के अंदर साबित कर देगा यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सरकार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है यहाँ पर। अच्छा, अनुराग ठाकुर मेरठ में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं जिन्ना का बयान दे करके। अब ये बीजेपी के लोग खुद तुष्टिकरण करके हमें हम लोगों को इल्जाम लगाते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अनुराग ठाकुर को जानते हैं आप? जो दिल्ली में जिन्होंने बयान दिया था वो अनुराग ठाकुर है, वो कह रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। अडवाणी जी उनके बाजार पे जाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। जसवंत सिंह जी उनके यहाँ जाते हैं, वो करते तारीफ करते हैं। मोदी जी वहाँ जाके बिरयानी करते हैं, जीना जी की तारीफ करते हैं। तो इन लोगों के कोई इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठे लोग हैं। इन लोगों ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। आदिल भाई आपने बहुत कुछ किया था, लेकिन सत्ता से बाहर कैसे हो गए? नहीं, आप ऐसे ना पब्लिक क्या है, इनके झूठे उसमें आ गए। अब पब्लिक सब समझ चुकी है, अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप देखो कितनी बड़ी एक जनसभा, एक रैली हो रही है, और रैला एक भाजपा की वहाँ रैली है। हमें सब बसें नहीं दी उन्होंने, सब जगह आसपास के जिलों से बसें नहीं दी आपका? बसें रोक दी सब आरटीओ से। उन्होंने कह दिया जो प्राइवेट यूनियन के अध्यक्ष थे उनसे, कहते आपकी समाजवादी पार्टी वालों कोई बसें देंगे। हमने ट्रैक्टर ट्रोली से, छोटे हाथी से, गाड़ियों से सब यहाँ पब्लिक आई है। इन लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ी रैली होगी, इन लोगों को बस नहीं दें। अच्छा, एक बात तो है कि इस बार समाजवादी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि तब से लोकदल से गठबंधन हुआ है और खास तौर से जो किसानों का आंदोलन है उसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में समाजवादी लोग मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन देखना होगा कि आने वाले चुनाव के बाद जो परिणाम आते हैं उसमें जो नेता है, चाहे सपा का हो या भाजपा का हो या बसपा का हो या लोकदल का, कौन नेता जीत में रहता है, किसकी सरकार बनती। चूंकि इस बार देखा ही जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी की सीधे तौर पर टक्कर भाजपा से है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा एक्टिविटी, कोई प्रोग्राम नहीं दिख रहा है। इसके चलते माना यह जा रहा है कि सपा और भाजपा की टक्कर है, लेकिन देखना होगा आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा। मुजफ्फरनगर से अपने सहयोगी रिहान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ ऑन इंडिया, बुढ़ाना।